आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे यूवी सेमेस्टर 1 सेशन 22-26 से पढ़ रहे हैं, तो हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, हमारा देखिए जो कॉमन कोर्सेज का पेपर है उस पर देखिए मैंने आप सभी बच्चों के लिए एक वीडियो अपलोडेड किया हुआ था कल शाम को। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट टिक करवा दिया है, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। इसके साथ देखिए मैं आपको इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको टिक भी करवा दूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐड से खुद से करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करने में कोई भी कमी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग देखते हैं कि आज आप सभी बच्चों के लिए देखिए कौन कौन से प्रश्न आपको याद करने हैं। तो पहला सवाल देखिए आपको याद करना है कि राजयोग क्या होता है, या फिर कह सकते हैं राजयोगा क्या होता है, क्या क्या इसके देखिए हमें बेनिफिट्स है, क्या फायदे हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इसी को देखिए आपको एकदम अच्छे से एग्जाम में कर लेना है, क्योंकि ये सवाल देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे देखिए योगा के टाइप होते हैं, आपको देखिए सभी दिख के जाना, लेकिन ये देखिए बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने आपसे बच्चों यहाँ पर लिख दिया। तो क्या होता है देखिए राजयोगा, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, तो ये यहाँ पर दिखा हुआ है। राजयोगा इज बेसिकली सेल्फ सफिशियंट, फियरलेस एंड इंडिपेंडेंट। राजयोगा इज सिंपल वे ऑफ प्रैक्टिस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या बेनिफिट्स है, क्या नहीं बेनिफिट्स है, ये हमें किस तरह देखिए मदद करता है, ये बात यहां इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को लिखी हुई है। तो जो भी देखिए अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी है वो आराम से इसे इंग्लिश में नोट डाउन करते चलिएगा। आइए, मैं मोस्टली जो हमारे व्यूअर्स है वो बेसिकली हिंदी मीडियम के, तो मैं उनको हिंदी में समझाने की देखिए यहां पर कोशिश करता हूं। तो देखिए यहां पर क्या, एक राजयोगी जो होता है बेसिकली आत्मनिर्भर, निडर और स्वतंत्र होता है। राजयोग जो होता है केवल अभ्यास और आत्म अनुशासन का क्या होता है, एक तरीका होता है, जिसमें देखिए राजयोग का क्या, अभ्यास के क्या क्या लाभ है। तो हमें इससे देखिए चिंता और तनाव से हम लोग मुक्त रह सकते हैं। हर किसी को देखिए जीवन में चिंता और तनाव से क्या होता है, अवसर लेने की जरूरत है, और योग को एक निश्चित राहत के लिए एक नए उपकरण के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्नत किया जा सकता है। जैसा हो सकता है वैसा रहने दें। हालांकि योग जो होता है सांस लेने की प्रक्रिया को हमारे नियंत्रित करता है। राजयोग की चिंतन पद्धति देखिए जो मस्तिष्क हो गया हमारा, उसकी शांति की स्थिति को क्या करती है, प्रबंधन करती है। यदि जैसे मान के चलते यदि किसी आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आप चिल्ला रहे हैं, तो आप गहन सांस लें, मतलब गहरी सांस लीजिए, और योग आसनों का अभ्यास अगर नहीं कर सकते तो, लेकिन एक सीधा बात है, शांत व्यक्ति तो हमेशा स्थितियों का सामना करने के लिए क्या होता है, ये मूल्यवान हमें बनाता है। अब देखिए व्यक्तिगत संबंधों में ये सुधार कर सकता है, जिससे मैंने यहाँ पर दो पॉइंट आपसे बच्चों को लिख दिया। हमें देखिए सीधा प्रत्येक आत्मा है और आध्यात्मिक पिता परमेश्वर की संतान है। आत्मा का इससे जुड़ाव कोई धर्म नहीं है, और कमियां देखिए सभी में होती है, हालांकि सभी में कुछ ना कुछ गुण भी होता है। विशेषताओं को देखना शुरू करें और कमजोरियों को, जो देखिए लोगों को हम अपनी कमजोरी देखते हैं उसे देखना अनदेखा करने स्टार्ट करें। व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तो ये आंसर आप लोग हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हिंदी में लिख लीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी वो इसे इंग्लिश में नोट डाउन करके लिख लीजिए। एग्जाम में अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो एकदम वीवीआई सवाल के लिए पूछा जा सकता है आपसे। और एक बार जान लीजिए, देखिए इस योगा को अष्टांग योगा भी बोला जाता है। तो अगर आपसे अष्टांग योगा बोला जाए या फिर राजयोग बोला जाए तो दोनों का मतलब देखिए एक ही होता है, याद आपको रहना चाहिए, वरना आप लोग बोलिएगा कि सर क्वेश्चन भेड़ा नहीं। तो देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो बता रहा, इतना बड़ा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है। अगर आप लोग बोलिएगा कि पूरा सिलेबस को दो दिन में कवर करना, तो ये मेरे द्वारा देखिए नहीं हो सकता। आप जिससे जिसके द्वारा देखिए बेसिकली सिलेबस कवर, आप उनसे देखिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही देखिए एग्जाम से पहले यहाँ पर आपको सूचना दे दी थी कि आपको अपना सिलेबस पहले एग्जाम से पहले कंप्लीट, ना कि एग्जाम के एक दिन पहले। मेरे द्वारा देखिए जितने भी कोशिश हो रहे हैं, मैं आपको इतना जितना भी हो सकता है मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको देखिए 26 मिनट का लेक्चर प्रोवाइड किया, जो बेसिकली दो वीडियो था, मैंने उसे मर्ज करके ताकि आप सभी बच्चे देखिए एक ही वीडियो में सारा का सारा कंटेंट आपको अवेलेबल हो सके और अपना एग्जाम की तैयारी कर सके, फोकस आपको एग्जाम पर रह सके, सीधा सीधी बात है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए जितना इंपॉर्टेंट वो भी आपको मार्क आते चलूंगा और बता भी दूंगा कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों अच्छे समझ आया होगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास खेलो इंडिया गेम्स, एक देखिए फिट इंडिया मूवमेंट, एक खेलो इंडिया गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला देखिए सवाल रहता है भारत में, देखिए सीधा बात है। तो आपको एक खेलो इंडिया गेम्स बोलिए या फिर फिट इंडिया मूवमेंट बोलिए या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स बोलिए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तीनों ही पढ़ना पड़ेगा। तीनों में से हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स देखिए किसी के एक सीधे स्ट्रीम में आ सकता है। आप बोलिएगा कि आर्ट्स के सेक्शन में क्या, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन किसी ना किसी एक स्ट्रीम के देखिए ये सवाल आ सकता है तीनों में से कोई एक। तो खेलो इंडिया गेम देखिए बेसिकली है कि आपको मालूम होगा एक नेशनल योजना, एक राष्ट्रीय स्कीम या फिर कैसा योजना है जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा बेसिकली लॉन्च किया 2018 में, जब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन थे, तो कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ थे दिल्ली के। ठीक है, उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि बेसिकली हमारे भारत में जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कहते हैं स्पोर्ट्स का जो कल्चर है वो थोड़ा सा देखिए सीधा बात है तरक्की कर सके, और उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स थे, क्या फायदे हमें हुए, क्या नहीं हुए, ये सारी बात देखिए यहाँ पर पहले इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी है वो इंग्लिश में नोट डाउन अपने कर लीजिएगा।
और थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मैंने बड़ा करके लिख दिया, ताकि सीधा बात है जितना अपने हिसाब जोड़ के लिखिएगा उतना बेहतर है। तो अपने हिसाब से भी आप लोग अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा बड़ा जरूर कर लीजिएगा। तो खेलो इंडिया गेम्स के बारे में देखिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम जो होता है भारत में, देखिए खेल के विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना है हमारे पास है। इसकी शुरुआत देखिए साल 2018 में तत्कालीन उस टाइम जो खेल मंत्री हमारे थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दिल्ली में की थी। यह कार्यक्रम भारत में देखिए खेल संस्कृति के सुधार के लिए किया गया था। क्या देखिए उसके उद्देश्य थे हमें बताना। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी, इसमें देखिए सीधा बात है केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त का पोषण किया जाएगा। यह एक पैन इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप योजना है जो हर साल खेल के क्षेत्र में लगभग 1000 सबसे योग्य और प्रतिभाशाली जो एथलीट है उनको कवर करती है। यह एक अभूतपूर्व योजना है, एथलीटों के लिए दीर्घकाल विकास मार्ग बनने के लिए क्या कि लागू करने वाली पहली योजना है। इसमें देखिए खिलाड़ियों का अध्ययन और खेल में सक्षम बनाने के लिए कार्यक्रम का उद्देश्य देश में विश्वविद्यालय को खेल विशेषता के केंद्र के रूप में पहचानना और यहां पर बढ़ावा भी देना है। फिर अगला पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम उपयोगिता अनुकूलन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे खेत में जो हमारे खेल होते हैं उन्हें बुनियादी ढांचा का पता लगाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसे GIC हो गया, स्वदेशी खेलों के लिए देखिए एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाइट हो गया, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल, ये सारी की सारी चीज देखिए यहाँ पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य देखिए खेल अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता संरचना, प्रतिभा की पहचान करना, कोचिंग और बुनियादी ढांचे सहित पूरे खेल पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करना, प्रभावित करना, ये इसका मेन मोटिव होता है, ये इसका उद्देश्य है। तो एक सवाल देखिए फिट इंडिया मूवमेंट, कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर आप बोल सकते हैं खेलो इंडिया गेम, ये एक पेपर आपके एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिए हमारे पास न्यूट्रिशन से पोषण से देखिए बहुत सारे सवाल है, जिसमें पोषण को अगर हम लोग डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो देखिए बहुत बड़ा चैप्टर बेसिकली बन जाता है। तो अगर लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा अगर ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछा जा सकता है तो वो मैं आपको टॉपिक में बता रहा हूँ, जिसका नाम है हमारे पास विटामिन एंड डाइट है। देखिए थोड़ी आवाज आपको खराब आ रहा होगा क्योंकि लगातार कंटिन्यूस बोलने से देखिए आवाज बढ़ जाता है, और थोड़ा डॉक्टर ने मना भी किया लेकिन फिर भी आप सभी बच्चों को एग्जाम में जिसके वजह मैं आप सभी बच्चों को देखिए जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास क्या है, बेसिकली 13 टाइप के देखिए एसेंशियल विटामिन है, ए ठीक है, BCDE B1 B2 ठीक है, जब नाम देखिए कॉमन नेम दिया हुआ है, B1 को थायमिन बुलाया जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन बुलाया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा मैं वही बताऊंगा। इतना सारा नाम आपको लिख दिया गया, फॉलिक एसिड को B9 बुलाया जाता है, विटामिन B9 बुलाया जाता है, टोटल 13 कैटेगरी पढ़ने हैं, लेकिन हमें देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए बेसिकली आपको पहले याद रखना है कि फैट सोल्यूबल विटामिन, देखिए दो प्रकार विटामिन होते हैं, एक वसा में घुलने वाले होते हैं, जल में घुलने वाले होते हैं। तो ADE क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फैट में घुलने वाले विटामिन होते हैं। और वाटर सोल्यूबल कौन होते हैं, तो बी और सी जो होते हैं, ये सीधा बात है हमारे पास ये हमारे 9 वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन सी और विटामिन बी के जितने कैटेगरी, ये सब के सब क्या होते हैं, तो ये वाटर सोल्यूबल। तो याद है कि सीधा बात विटामिन कौन कौन वसा में घुलता है, तो ADE और बाकी सारा सारा किस में घुलेगा, तो पानी में घुलता है, ये बात आपको देखिए याद रखना है आपको। और यहाँ पर देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगा आपको, तो ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए लिखा हुआ विटामिन ए के बारे में लिखा हुआ है, नीचे जाइएगा तो विटामिन B12 के बारे में लिखा हुआ है जिससे ठीक है, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, फिर नीचे जाइएगा तो विटामिन B1 के बारे में मिलेगा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ था। अब देखिए जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वसा में जो घुलने वाले विटामिन होते हैं उनमें ADE होता है, जो पानी में घुलता है बेसिकली, उनमें क्या हो गया हमारे पास जो बचा हुआ शेष रह गया बी और सी कैटेगरी, लेकिन B1 2 बेसिकली नहीं घुलता, ठीक है, जो लीवर में कई सालों तक स्टोर किया जा सकता है। अब विटामिन देखिए कहाँ का उपयोग होता है, आपको पूछा जाएगा कि सनलाइट से नहीं सूरज की धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूँ। चलिए तो विटामिन ए देखिए स्वस्थ धातु हड्डी कोमल उत्तकों से जो हमारे श्लेष्मा झिल्ली होगी त्वचा को बनाने में क्या कहता मदद करता है। विटामिन बी को देखिए विटामिन बी सिक्स को क्या कहते हैं, पाइरोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। क्या उपयोगिता देखिए सारा का सारा बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब विटामिन B12 देखिए सीधा बात है हमें ये लाल रक्त RBC जो होता है उसको बनाने में, केंद्रीय तंत्र के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखिए बनाने में करता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो सीधा बात है हमारे दांत मसूड़ों उसको बढ़ावा देता है, मसूड़ों को सीधा बात कम करता है, ठीक, मसूड़ों को बढ़ावा देता है, और जो हमारे दांत बीमारी होती है उनको भी क्या कर रोकने में क्या करता है, मदद करता है, घाव को रोकता है। विटामिन डी सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्यों कहते हैं आपको सवाल पूछा इसका आंसर यहां दिया हुआ है। विटामिन के की देखिए आवश्यकता क्यों, क्योंकि इसके बिना रक्त आपस में नहीं चिपकते हैं, रक्त का थक्का बनाने बेसिकली क्या करता है हमें, ठीक है। तो कुछ अध्ययन पता चले हड्डी के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिर थायमिन जो होता है विटामिन B1 जिसे कहते हैं, ये शरीर की कोशिकाओं कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में क्या बनने में मदद करता है। तो ये इसका कुछ आंसर हो गया, कुछ विटामिन कैटेगरी होता है, और ये सवाल देखिए परीक्षा में पूछा जा सकता है, विटामिन कैटेगरी ऑब्जेक्टिव सवाल तो देखिए भर भर के ये सबसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास देखिए योगा क्या होता है,
योगा के बेसिकली टाइप क्या होते हैं, तो होते तो देखिए बहुत कैटेगरी बांटा जा सकता है, लेकिन योगा क्या है, तो योगा देखिए इंग्लिश मीडियम बता दी हुई लिखा हुआ है कि योगा इज एन आर्ट ऑफ लिविंग अ डिजीज फ्री। देखिए योगा क्या, हमारी जिंदगी सीधा बात है एक बीमारी से मुक्त रहने वाला हम जीवन जी सकते हैं इसके द्वारा। क्या एम है हमारे पास, क्या कैटेगरी होती है, तो चलिए बताता हूँ आपको। पहले तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इसे जान ले, चार भागों में बांटा जाता है, भक्ति योगा, कर्म योगा, जनाना योगा, हता योगा, ठीक है, ये आपको चार कैटेगरी है, ये आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए योग क्या है, योग जो होता है हमारे रोग मुक्त जीवन जीने की एक कला है। योग का मुख्य उद्देश्य देखिए मन की परम शांति प्राप्त करना है, जिसके लिए आत्मा शरीर और मन को एक करना होगा। योग करने से देखिए शरीर मन और आत्मा की जो क्षमता होती है वह कई गुना बढ़ जाती है। इससे न केवल शरीर स्वस्थ मजबूत रहता है, साथ ही साथ मन और मस्तिष्क में शांति भी रहती है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और कार्य करने की क्या क्षमता बढ़ती है। चार कैटेगरी में बटा हुआ है, तो आप लोग इसे देखिए अपने हिसाब से नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो एक कर्म योग हो गया, भक्ति योग हो गया, एक ज्ञान योग हो गया, एक हमारे पर हठ योग हो गया, चार कैटेगरी में इसे बांट दिया गया। इसका नोट्स आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। अब ये था देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको सिलेबस से टिक करवा दे रहा हूँ, उसको आप लोग खुद से नोट्स बनाइएगा और खुद से देखिए याद करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ सवाल टिक करवा रहा हूँ। तो पहला बात तो जान लीजिए क्या क्या सवाल है हमारे पास। तो यूनिट वन से देखिए आपको टिक करना है, क्या टिक करना है, तो एक टॉपिक आपको पढ़ना है जिसका नाम है बीएमआई। एक हो सकता है देखिए आपके न्यूमेरिकल टाइप में सवाल पूछा जा सकता है, बीएमआई मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, ये किस प्रकार से हर एज ग्रुप का हम लोग निकालना पड़ेगा ये आपको करना है। इसमें देखिए बैलेंस डाइट मैंने पढ़ा दिया है, हेल्थ एंड फिटनेस का आपको ये जो कॉन्सेप्ट वाला है बेसिकली ये आपको किस पेपर में अवेलेबल मिल जाए, तो वहां से आप लोग देख के इसका नोट्स बना सकते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन वाला इंपैक्ट ऑफ हेल्थ ये मैंने करवा दिया, तो इसमें से इस टॉपिक में से देखिए आपको क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ लेना है, पोषण क्या होते हैं, पोषण न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पांच प्रकार न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पढ़ना है, जिसमें मैंने आपको तो पढ़ाई दिया, विटामिन कार्बोहाइड्रेट जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रोटीन पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएमआई आपको पढ़ना है, ठीक है, बीएमआई पढ़ के जाइएगा। एक सवाल देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बोला था कि भारत में देखिए जो कह सकते हैं योगा का क्या इतिहास है, ये वाला क्वेश्चन एकदम वीवीआई एकदम कर लीजिए अच्छे से, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें से मैंने आपको मोस्टली करवा दिया है, राजयोग मैंने करवा दिया, अष्टांग योगा जिसे कहा जाता है एक आप लोग देखिए कर सकते कर लीजिएगा, भक्ति योगा जो मैंने आपको वहां लिखवा दिया बेसिकली, तो आप लोग उसे कर लीजिएगा। योगा से देखिए किस प्रकार से हमारा जो स्ट्रेस होता है वो हम लोग दूर कर सकते हैं, तनाव, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ प्रीवियस लेक्चर में, तो आप लोग उसको देख के भी अपना नोट्स बना सकते हैं। और यूनिट थ्री में देखिए कौन कौन सा करिएगा, तो एक बार आपको ओलंपिक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, एशियन गेम्स पढ़ लीजिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स पढ़ लीजिएगा, ये तीन टॉपिक देखिए यहाँ से आपको कवर करने बेसिकली, तो बाकी आपको देखिए मोस्टली 80% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको इसके अलावा इसको कोई और एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतना कर लीजिए आप लोग एग्जाम एकदम सुपर से सुपर बेस्ट जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो तो लाइक और शेयर में कोई भी कमी नहीं हो, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो दिल से आपका जो भी निर्णय होगा कमेंट बॉक्स में अपना देखिए जो विचार हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।